अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तो आज दोस्तों रमज़ान पहला रोज़ा है, रोज़ा रखा हुआ आज हमने, मैंने भी जैन ने भी। तो आज हम बैठे हुए थे अपनी एवरी के पास, टाइम पास कर रहे थे कि कब अफ्तारी का टाइम होगा। तो आज हम बैठे हुए थे अपने एवरी के पास ताकि देखें, हम जब बैठे हैं एवरी के पास तो हमें पता लगा, क्योंकि हम बैठते नहीं थे एवरी के पास, कि क्या कुछ हो रहा है पिंजरे के अंदर, हमें इतना पता नहीं होता था। बजीज का हमें आपको पता होगा कि नहीं इतना कुछ दिखाते। आज हम बैठे हुए थे टाइम पास करने के लिए, तो पता ये चला कि हमारे जो बजीज हैं, चार पांच जोड़े हैं जो दोस्तों बिल्कुल तैयार हुए हुए हैं, पेयरिंग हुई हुई है उनकी, अंडे देने वाले हैं। तो वो आपको दिखाते हैं, अभी हम यहीं पर बैठे हुए थे, आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं, आप भी थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। तो यार एक दफ़ा फिर से आपको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। तो दोस्तों यहाँ पे बैठे हुए थे हम, थोड़ी सी वैसे यार हम बैठते नहीं हैं, सिर्फ दाना वगैरह पानी वगैरह डाल के हम आ जाते थे बाहर, और ज़्यादा इनके पास बैठते नहीं थे। ज़्यादा हमारा सेटअप ध्यान जो ऋतु है वो छत पे ही है, क्योंकि आपको पता छत पे मुर्गी हैं, मुर्गी के चूहे हैं, कबूतर शबूतर रखे हुए हैं। तो मैं एवरी की तरफ ना अली भी आते थे ना मैं आता था। तो यार आज हम रोज़ा था, ऐसे ही बैठे हुए, हवा भी चली ठंडी ठंडी। तो मैंने गौर किया, तकरीबन 3 से 4 जोड़े दोस्तों हमारे माशाल्लाह अंडे देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और मैं सोच रहा हूँ एक अली भाई को एक प्लानिंग भी बताइए, मैंने वो अली भाई आपको बताते हैं इंशाल्लाह। तो बस आप सिर्फ कहते हैं चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो लास्ट तक देखिए, काफ़ी मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और मुँह देखें हम दोनों के कैसे रखे हुए हैं, ऐसे कैसे सोच होते हैं। ये है कि रोज़ा माशाल्लाह दोस्तों काफ़ी अच्छा गुजर रहा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के भी रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। तो यार ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, क्योंकि फजर के टाइम उठे थे हम, नमाज वगैरह पढ़ के मेन चैनल के भी वीडियो बनाई थी, बना के हम फिर सो गए थे। ठीक है, फिर हम उठे हैं तकरीबन 1 बजे, अब हम बैठे उठे हुए थे, अब हमने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं न्यूज़ चैनल के लिए, तो हो सकता है ये थोड़ी लेट आए, तो गुजारा करें। तो यार मैं आपको बताता हूँ हमने क्या करना है। दोस्तों हमारी एवरी है माशाल्लाह। तो यार मैं सोच रहा हूँ कि दोस्तों इंशाल्लाह हमारा कुछ दिन में केज तो तैयार हो जाएगा छत वाला। तो हमारी जो डायमंड डव्स हैं दोस्तों, इनको तो हमारा इरादा है कि हम ऊपर शिफ्ट कर दें छत पे, क्योंकि आपको पता गर्मी का परिंदा है, जून जुलाई की गर्मी में भी वो छत पे जाके बैठते हैं, वो सॉरी धूप में जाके बैठते हैं, छत पे जाके बैठ रहा हूँ। तो इसे दोस्तों हमारी उस केज में जो डायमंड डव ने एक बच्चा दिया हुआ है, तो उस बच्चे के मैं सोच रहा हूँ कि एक बच्चा तो यहीं पर रहे, मतलब कि इसकी हम दूसरी ब्रीड जो है ना, जितनी भी डायमंड डव्स हैं वो उसकी हम छत पे ही लें, इधर एवरी में ला लें। तो ये कुछ मेरा जहन बन रहा है, और अली भाई से मैंने मशवरा किया तो अली भाई भी मुझे यही कह रहे हैं, तो आप सही कह रहे हैं, तो इसी तरीके से करते हैं। क्योंकि दोस्तों मेरा जो शुरू से इरादा है कि डायमंड डव्स को और अपने खुमरों को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल हम अपने डायमंड डव्स को शिफ्ट करें, क्योंकि आपको पता है खुमरों ने अंडे दिए हैं, इनको जब तक इनके बच्चे निकल के बाहर नहीं आ जाते, और इसको फिर इंशाल्लाह बाद में करेंगे। बाकी दोस्तों पिंजरा जो है हमारा छत वाला इंशाल्लाह इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह दोस्तों। बाकी दुआ कीजिए यार, मैं कल मिस्त्री को, जैसा कि मैं आपको कल वाले व्लॉग में बताया था कि मैं मिस्त्री को लेके आऊँगा, मिस्त्री को लेके आऊँगा, और मैं लेके आ गया था, और वो मेरे घर भी आ गया था, उन्हें मैंने दिखाया पिंजरा केज वगैरह, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने बस मुझे ये किया था कि आप मुझे 1-2 दिन का टाइम दें, इंशाल्लाह मैं आपका केज बना दूँगा। क्योंकि यार आपको पता दोस्तों रमज़ान भी है, तो जिसकी वजह से हमारी तो मसरूफियात हैं, दूसरों की भी होती हैं। तो खैर यार अपना काम शुरू करते हैं, चलते हैं एवरी में, और जाके जो जो मैंने आपसे बातें करनी है और जो हमने चेंजिंग करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और जिन जिन बच्चों का जो हमारे दोस्तों बजीज के पेयर हैं किन किन का लगा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों माशाल्लाह एवरी में आ चुका हूँ, और ये देखें हमारी इस टाइम एवरेज जो है फुल, मतलब के तोतों से भर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास तकरीबन कितने हो गए अलबी, गिने ही नहीं यार कभी, क्योंकि आपको पता है बस पढ़े हैं पढ़े रहते हैं माशाल्लाह। तो चले यार आज इनको गिनते भी हैं कितने बजीज हो गए, मुझे तो लग रहा काफ़ी तादाद में हो गए माशाल्लाह। एक तो इस पेयर ने भी दोस्तों अंडे दिए हैं इस मटकी के अंदर, तो चले मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से बजीज हैं जो के ब्रीड के लिए तैयार हैं। सबसे पहले तो आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ, तो ये मेल जो है ना दोस्तों, ये वाला मेल, ये तो हम न्यू लेके आए थे ना, जो हमने एक्सचेंज करवा लिया था अपनी फ़ीमेल दे के। तो बाकी मुझे कन्फर्म नहीं था कि कौन सा पेयर किसके साथ है, आज अगर मैं एवरी के सामने बैठा हूँ ना तो मुझे पता लग गया कि किस कौन सा पेयर किसके साथ लगा हुआ है। तो ये जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जितने भी हैं नीचे ऊपर मटकियों में, ये सारे इसके बच्चे हैं इसके, ये सिर्फ एक तोते के और 2 फीमेल्स के, ये सारे बच्चे हैं, बाकी कोई भी जो इसमें बाहर, बस एक ये बाहर का, बाकी जितने भी बच्चे हैं ना दोस्तों सारे इसके हैं, ये बैठा हुआ तो हैं। हाँ
हाँ बस येलो वाला जो है ना वो भी बाहर का है, बाकी जितने भी बजीज हैं ना वो सारे हमारे घर के हैं और इसके बच्चे हैं जितने भी हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक दिखाता हूँ कि हमारे दोस्तों दो बच्चे और बाहर आ चुके हैं बजीज के, ये देखें एक ये वाला है और एक ये वाला है। अब इस टाइम मटकी के अंदर पाँच बच्चे निकाले थे ना दोस्तों, जिसमें तीन बच्चे बाहर आ चुके हैं और दो बच्चे अभी मटकी के अंदर ही हैं। और माशाल्लाह ये देखें यहाँ पे बैठे दाना खा रहे हैं और एवरी की सफाई भी होने वाली है तो इंशाल्लाह ये भी करेंगे। और चले मैं आपको दिखाता हूँ एक ब्रीड ने, एक तोते ने तो दोस्तों हमारे सेटअप पे अंडे भी दिए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ और इसको चेक करें। इंट्रोडक्शन करवाओ अपनी, चलो नहीं करवा दी। तो इस मटकी में दोस्तों देखें कि हमारे जो घर की ब्रीड आई थी ना उसने माशाल्लाह देखें पाँच सॉरी चार अंडे दिए हुए हैं, ये देखें ये शायद आपको नज़र आ रहे हों। और अंडे मुझे लग रहा है दोस्तों ये फर्टाइल हैं। और इसके अलावा जो हमने एक्सपेरिमेंट के लिए इस फीमेल के नीचे बटेर के दो अंडे रखे हुए हैं वो भी माशाल्लाह उनमें से बच्चे निकलने वाले हैं। और ये देखें ये पेयर आके बैठ गया, ये देखें। और जो दूसरे पेयर हैं दोस्तों उनमें से एक पेयर, ये जो फीमेल देख रहे हैं ना ये वाली, इसके साथ एक मेल है और जो हमारा ये येलो वाला मेल है उसके साथ एक किसी फीमेल ने जोड़ा लगाया। वो कौन सी फीमेल है मैं आपको बता देता हूँ, वो फीमेल है जी वो एंड पे कहीं पे वो बैठी हुई हो देखें वो वाली जो है ना वो पीछे वो है। और इसी तरह एक और बजी एक और है कि ये मेल है ये वाला और इसके साथ ये वाली फीमेल की जगह ये वाली। तो मतलब कि इसी तरीके से दोस्तों काफ़ी सारे बजीज ने अपने अपने के वो बनाई हुई हैं। तो यार मैंने मटकियाँ लगाई हुई थी यहाँ पे, एक ये लगी हुई है पीछे भी लगी हुई हैं, तो ये पता नहीं इस मटकियों में आना नहीं चाह रहे, पता नहीं ये इधर से एवरी खुली है हमारी क्योंकि आपको पता है चीलें वगैरह होती हैं तो ये डर रहे हैं। तो मैंने जो सोचा है दोस्तों कि इस केज को जो हम यहाँ से जगह भी घेरी हुई है काफ़ी इसने, इस केज को हम उठा के लगा दें यहाँ पर ऐसे ताकि डायमंड डव नज़ारे लेती रहे और अपने इसके जो डायमंड डव का बच्चा है इसको धूप भी लगती रहे क्योंकि आपको पता है डायमंड डव को धूप की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे इस वाली साइड पे सामने को हम एवरी में अपनी मटकियाँ लगा दें तो ये मेरी सोच है, इंशाल्लाह ये करते हैं आज। और तो बस शुरू करते हैं। दोस्तों ये देखें मैंने अपने जो डायमंड डव का पेयर है इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और ये बच्चा देखें, ये देखें दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे बैठा हुआ। तो इसको मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे बैठे रहने देते हैं। दोस्तों मैंने अपना सारा का सारा काम माशाल्लाह कर लिया है और ये तो दोस्तों हमने यहाँ पे लगा दिया अपना केज माशाल्लाह, ये देखें डायमंड डव का बच्चा बैठा हुआ यहाँ पे। और जो हमने दोस्तों मटकियाँ लगाई हैं देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं दोस्तों, ये सारी की सारी मटकियाँ ये देखें यहाँ पे लगा दिए मैंने। वो देखें अभी सही तोते यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं, ये देखें दोस्तों ये कैसे झांकना शुरू हो गए अंदर। एक ये फीमेल बैठी हुई, एक ये फीमेल बैठी हुई ये तो बच्चा है और एक वो बैठी हुई यहाँ पे। यार अब अलहदा इनका पोर्शन हो गया जो बजे इसका होता है ना, मतलब कि ये डायमंड हो गई वो तोतों का, मैंने अलहदा ही नेस्टिंग वगैरह सिस्टम वहाँ पर कर दिया, वहीं पर ये ब्रीड करा करेंगे माशाल्लाह। तो चलते हैं बाहर और देखते हैं बाहर जाके क्या ये कर। तो यहाँ से हम इंटर होते हैं ना वहाँ पे मैंने इनका केज लगा दिया और यहाँ पे हम आराम से देख सकते हैं डायमंड डव का बच्चा ये बैठा हुआ, ये देखें ये शायद आपको नज़र आ रहा होगा, ये रहा देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। तो खैर और बाकी जो सामने वाली साइड है दोस्तों यहाँ से हमें साफ नज़र आ जाया करेगा कि कौन सा मेल है जो है, कौन सी फीमेल कहाँ पे है जिसने अंडे दिए हैं, ये देखें फिंचीज़, ये फिंचीज़ भी चलेगी ये देखें मटकी के ऊपर इसी तरीके से। यहाँ पे ऐसे मज़ा आ गया, इधर से भी आपको दोस्तों दिखा देता हूँ ये देखें लाइन वाइज। तो यार मेरे पास मटकी पहले बहुत ज़्यादा थी, जो दोस्तों हमारा ऊपर वाला केज वो जो दड़बा है ना जो मुर्गी कबूतरों वाला केज है वहाँ पर इतनी सारी पहले मटकियाँ पड़ी रहती थी जो कि फिर बाद में यूज़ होती रहीं, कुछ टूटती गई और कुछ जो अब्दुल हीम है हमारे फिंचर वाले सेटअप वो भी लेके चले गए कुछ, जिसकी वजह से हमारे पास मटकियों की कमी होगी, अब हमें मटकियाँ और लानी पड़ेगी। वरना मेरे पास तकरीबन 25 से 30 मटकियाँ इस टाइम तो पड़ी हुई थी जो कि अब नहीं है, अब मेरे पास तकरीबन दोस्तों 7-8 ही हैं। ओके दोस्तों तो ये थी आज की वीडियो, चेक करें चेक क्या सारा काम मैंने किया है, शुरुआत भी बस इन्होंने करनी होती है, नबी भाई इन्होंने करना होता है, समझाए यार कि पूरा व्लॉग बनाया करें। तो मेरी तरफ से दोस्तों अल्लाह हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करें, बड़ी मेहनत की आज मैंने रोजे की हालत में देख रहे हैं कमेंट में समझाएं यार, सारी मेहनत तो मैंने की रोजे में क्या रहे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।